राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल क्यूट कान्हा जी में। तो आज हम अपने छोटे ठाकुर जी के लिए छोटी सी दही हांडी मटकी जो है बनाना सीखेंगे, जिसके लिए बहुत कम मैंने मटेरियल यूज़ किया और जिसको जो है आप इस तरह से जो भी आपके पास डेकोरेशन का सामान रहता है, कुछ इस टाइप की कैप और कुछ इस टाइप के रिंग, इनकी हेल्प से एक छोटी सी दही हांडी आप बना सकते हो घर पर ईजिली। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट से जो है दही हांडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मटेरियल चाहिए वो चाहिए दो कैप, दो रिंग और दो ही हमें चाहिए ईयरबड, थोड़ी सी फाइबर की रुई या फिर कॉटन की जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और एक चाहिए छोटी सी चैन। आप कोई भी गोल्ड मतलब बॉल चेन ले सकते हो, स्टोन चेन ले सकते हो, मेरे पास है ये वाली वाइट कलर की चेन, और एक छोटा सा चाहिए रिबन का पीस। तो नाउ देखिए कैसे हमने बनानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कैप ली है और उसको इस तरह से उल्टा करके वहाँ पर जो है मैंने ग्लू लगानी है। दूसरी कैप को इसके ऊपर कुछ इस तरह से उल्टा रख देना है, कुछ इस तरह से, ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी। अभी अभी का काम है मेरा ये वाली कैप, जो ये वाली रिंग को मैंने, ये वाली जो रिंग है मैंने स्मॉल साइज़ लिया है, मींस इसका आपने लेना है 1.5 या 2 इंची का रिंग आता है, और बड़ी आसानी से आपको ये वाली जो रिंग है मार्केट से मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप मोली के धागे को भी रैप करके कुछ इस टाइप का रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो और यहाँ पे भी ऊपर वाली साइड हमने लगाना है ये वाला, तो इसके लिए भी यहाँ पे सेम जो है प्रोसेस में ग्लू लगाएंगे कुछ इस टाइप से, और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये देखिए ये हो गया इस तरह से रेडी। तो ये हमारी जो है दही हांडी का लोअर पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हमने बनानी है स्टिक। तो स्टिक बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक ईयरबड लिया और उसको यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ कवर किया, और इस पे मैंने कोई भी आप रिबन ले लो, गोटा ले लो गोल्डन कलर का, जो भी आपके पास जो है ड्रेसेस बनाने के लिए गोटा आता है, या फिर कोई भी मटेरियल ऐसा जिसको आप रैप कर पाओ। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको रैप किया और दूसरे एंड पे भी मैंने जो ग्लू लगा कर इसको जॉइंट कर दिया। तो ये देखिए ये हो गया है कुछ इस तरह से जॉइंट, और यहाँ से एक्स्ट्रा जो रिबन है वो मैं कट कर दूँगी कुछ इस तरह से। ये देखिए ये टाइट टाइट जो है स्टिक बन चुकी है। तो जैसे ही ये जो छड़ी तैयार हो जाती है, उसके बाद मैंने हल्की सी थोड़ी सी मतलब अमाउंट में लेनी है फाइबर की रुई। फाइबर की जगह पे आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा खिलरा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है लुक वाइज। और यहाँ पर जो मेरा होल था उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से इस स्टिक को लगाना है, और इस तरह से फाइबर की रुई को मैंने इस तरह से पेस्ट कर देना है, ताकि ये जो है मक्खन की लुक देगी। और इस तरह से जो हमारी दही हांडी तैयार हो चुकी है। अभी मैंने इसकी जो है डेकोरेट करने के लिए छड़ी को यहाँ पे एक मैं पोम लगा रही हूँ। पोम आप किसी भी कलर का लगा सकते हो, अगर आपके पास पोम नहीं है तो आप बना भी सकते हो, या फिर टेसल्स जो रहते हैं वो लगा सकते हो, या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम लगा सकते हो। तो ये देखिए ये छोटी सी दही हांडी छड़ी के साथ जो ठाकुर जी के लिए बनकर रेडी हो चुकी है। तो कैसे लगी आज की आपको वीडियो, होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।